चलो एक बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं। बड़ा तो मतलब ऐसा है कि जिसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों एक साथ बनेंगे तो कैसा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपका पहला बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इजी है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 30,000 ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। नेट प्रॉफिट गिवन है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, 2% कमीशन ए को। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, हाईलाइट करेंगे 500 पर मंथ, तो एनुअल सैलरी हो जाएगी 6,000। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो आफ्टर कमीशन, और कमीशन हमें पता नहीं तो रेट अपॉन 100+ रेट, बाकी जो जो खर्चे हैं वो तो माइनस कर ही देंगे, जो नहीं पता उसके लिए रेट अपॉन 100+ रेट लिया जाता है। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स वर A 8,000, B 6,000। टर्नओवर दे रखा है 3 लाख, वो कमीशन के लिए यूज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने पढ़ा है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द सेंस कि अगर किसी चीज के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या रूल एप्लीकेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। चलो ध्यान से देखना, स्टार्ट करूंगा मैं। नेट प्रॉफिट है 50,000, ओपनिंग कैपिटल्स हैं 50,000 एंड 30,000। ओपनिंग कैपिटल्स ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट बना देंगे, दो पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम बन जाएंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट क्रेडिट, ईयर आई थिंक 21 है, ईयर 31 मार्च 21 है, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बी कैफ ठीक है, वो सब देख लेना। ओके तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, बाय बैलेंस बीडी लिख सकते हैं 50,000। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था ए का 50, बी का 30। साइमल्टेनियसली दोनों अकाउंट्स बनेंगे तो हाफ ऑफ द पेज पीएनएल अप्रोप्रिएशन, हाफ ऑफ द पेज कैपिटल। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो एक पेज पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दूसरे पेज पे कैपिटल, वो करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बट दोनों साइमल्टेनियसली करना, क्यों पता चल जाएगा। अभी नेट प्रॉफिट दिखा दिया, अब पहली एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो कैसे दिखाते हैं हम, यहां पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। ए की कैपिटल कितनी है 50,000, तो 50,000 का 6% 3,000, 30,000 का 6% 6 3 18 हंड्रेड, 6% था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3,000 और 1,800। प्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर, कोई डाउट। नो सर। ओके तो पहली एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2%, ठीक है कमीशन दोनों एक साथ ही दिखा दूंगा। तो पहले सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है, तो बी की सैलरी 500 × 12 6,000। तो ध्यान से देखना, टू बीज सैलरी, टू सैलरी ब्रैकेट्स में बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 500 × 12 6,000, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना कमीशन, टू कमीशन ए बी, ए की कमीशन क्या है
एक मिनट, सैलरी यहां पे आ गई तो कैपिटल में भी दिखा देंगे यहां पे बाय सैलरी। ए को तो कुछ नहीं है, बी को कितनी है 6000, ठीक है। कमीशन, ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर था 3 लाख, 3 2 6000, थ्री लाख का 2% 6000, एक ही कमीशन आ गई। बी, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब ध्यान से देखना, तो अगेन वर्किंग नोट में आप दिखाएंगे, फिर एक साथ कैपिटल अकाउंट में कमीशन दिखा देंगे, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है बट इजी है। वर्किंग नोट, कमीशन पेबल टू बी। अब कमीशन पेबल टू बी कितना परसेंट था, 5%, ठीक है। तो 5% है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा, तो 5/105 तो आ गया, बट किसका, नेट प्रॉफिट में से आफ्टर सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस बोला था, तो 4800 बी माइनस हो जाएगा, 6000 बी माइनस हो जाएगा सैलरी, और एक पार्टनर की कमीशन, ए की कमीशन हमारे पास है तो वो भी माइनस हो जाएगी, बी की कमीशन हमारे पास नहीं है बट उसने बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसी के लिए तो हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिया, तो 5/105 इंटू 10,000 16,800 16,800 का मतलब 16,800 33,200 37 43 49 50, 5/105 इंटू 33,200 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 5/105 इंटू 33,200 1581, तो यहाँ पे आ जाएगा बी के, तो बस आप ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट, पूरी प्रॉपर वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, कितना आया 1581। बी की कमीशन कैसे कैलकुलेट हुई, किसी को कोई भी डाउट, सीख चुके हम ये सब ऑलरेडी, कोई डाउट? नो सर, नो सर। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय कमीशन, ए को कितनी मिली 6000, बी को कितनी मिली 1581। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट है, इजी है, क्या लिखेंगे यहां पे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। अब ध्यान से देखना, आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने आए हैं, 50,000 नेट प्रॉफिट थे माइनस 4,800 6,7581, तो 18381, तो कितने बच गए, 31619। अब 31619 आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1, बी केयरफुल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो इक्वली बांटते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, तो कैसे बांटेंगे, ए को कितना मिलेगा ध्यान से देखना, 31619 इंटू 3/4, 3:1 के रेशियो में बांटना है ना, तो ए को मिलेगा इंटू 3/4, बी को मिलेगा 31619 इंटू 1/4, ए 31619 इंटू 3/4, 31619 इंटू 1/4, वेरीफाई करेंगे 31619, तो प्रॉफिट्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ईच पार्टनर निकाल दिया, फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए 23714, बी 7905। देखेंगे क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ड्रॉइंग्स आ जाएंगे डेबिट साइड पे,
जब भी ड्रॉइंग्स हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखना चाहिए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो यहाँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ रहा होता, बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं था तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। ड्रॉइंग्स कितनी है 8000 एंड 6000, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा 8000 एंड 6000, क्लोज कर देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, जैसे कैपिटल क्लोज करते हैं, कोई भी लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट्स 82714 माइनस डेबिट्स 8000, तो ए का क्लोजिंग बैलेंस आया 74714, बी का क्रेडिट्स 47286 माइनस डेबिट्स 6000, बी का आया 41286। वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी, कमीशन ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 23714 7905, ओके, कैपिटल 74714 और 41286, 74714 41286, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन समझ आएगी आपको कि अगर एक साथ एडजस्टमेंट आएंगे तो साइमल्टेनियसली अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम उसको दिखाएंगे कैसे, ध्यान से कॉपी करें।